Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, A-Lit, TU, LLB, LLM, NLS and another law entrance test आप देंगे आप लोगों के लिए important हो सकता है। बिना समय गवाए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का कुछ का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट रिगार्डिंग राज्यसभा नहीं करेक्ट है। एग्जाम में भी कभी कभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो प्रॉपर नहीं पढ़ते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना करेक्ट पूछा है नॉट पूछा है। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, इट वॉज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अप्रैल 1952। 12 ऑफ राज्यसभा मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट या 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी ईयर। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, डीयू एलएलबी, एनएलएसएट, एलिट, यूजी एंड पीजी के कोर्सेज, मॉक टेस्ट। इफ यू वॉन्ट यू कैन इनरोल इन इट। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, कोई जानकारी चाहिए तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेमो के लिए यूट्यूब तो है ही है, साथ में ऐप पे भी डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज के जो एडिटोरियल्स हैं इसमें हमने एक टेनिस से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस करना है, टेनिस गेम, अभी विंबलडन का जो मसला था उससे रिलेटेड। एंड इसके अलावा एक आर्टिकल और था यार, हाँ, अ फार मोर डेंजरस मूवमेंट नाउ देन इन 1992। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। यहाँ पे देखो ये ज्ञानवापी मॉस्क से रिलेटेड आर्टिकल आया हुआ है। अब ये पूरी कहानी क्या है समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ज्ञानवापी मॉस्क जो है ना वो 1669 में मुगल रूलर औरंगजेब के द्वारा बनाई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि ये जो मॉस्क है ये एक एंशियंट हिंदू टेंपल विश्वेश्वर टेंपल को तोड़ के बनाई गई थी। इसके सबूत जो हैं वो साकिब खान करके एक लेखक है, उनकी बुक जो है यासिर आलमगीरी, उसमें भी ये चीज पाई गई थी कि औरंगजेब ने जो है वो टेंपल डिमोलिश करके 1669 में फ्रॉम गवर्नर अब्दुल हसन के आदेश के ऊपर ये मॉस्क का स्थापना करवाई थी। मतलब थोड़ा सा मैंने उल्टा बोल दिया, कहने का मतलब ये कि औरंगजेब के आदेश पे गवर्नर अब्दुल हसन ने ये मॉस्क बनवाई थी। द केस ऑफ ज्ञानवापी मॉस्क जो है वो 1991 में पहली बार कोर्ट में गया था, वाराणसी कोर्ट में। उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में था और फिर जो है अभी 2021 के अंदर 5 महिलाओं के द्वारा एक पिटीशन फाइल करी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि मदर मेकअप गौरी जो है वहां पे स्थित हैं, उस मॉस्क के आसपास यहां पे एक टेंपल है मदर मेकअप गौरी का, और द फाइव वुमेन हैड फाइल्ड अ पिटीशन डिमांडिंग टू वर्शिप इन द टेंपल ऑफ मदर मेकअप गौरी, एक्सेप्टिंग विच द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमीशन टू नो द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ मेकअप गौरी टेंपल। तो ये हमने यहाँ पे जाना, इतना मसला था। अब जो मुस्लिम साइड है, जो उस टाइम जो मॉस्क के रखवाले या जो मॉस्क के वहाँ पे देखते हैं, करता धरता हैं, उनका ऐसा कहना था और उनकी तरफ से जो लॉयर से उनका ऐसा कहना है कि जो हमारा वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसके थ्रू यहाँ पे चीज़ें गवर्न होती हैं और अभी केस फाइल नहीं हो सकता है। तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो हमने पढ़ा है, मैंने आपको एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ आज ही, 1991 का जो ये एक्ट है इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज प्रोहिबिट टू कन्वर्ट अ प्लेस ऑफ वर्शिप इवन इट्स क्लॉज इनटू अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफरेंट रिलीजियस डिनोमिनेशन और अ डिफरेंट क्लास ऑफ द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन। जो 15 अगस्त 1947 में उसकी स्थिति थी वही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती है। इसमें कुछ एग्जेम्पशंस हैं जैसे कि आपका अयोध्या टेम्पल वाला था, ठीक है। सेक्शन 4(2) ऑफ द एक्ट जो है वो कहता है कि ऑल द लिटिगेशंस अपील अदर प्रोसीडिंग रिलेटेड टू चेंजिंग द नेचर ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप विच वर पेंडिंग टिल अगस्त 15, 1947 शॉल सीज आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड नो फ्रेश एक्शन कैन बी टेकन ऑन सच केसेस। तो यहाँ पे आपने सारी चीजें जानी। तो ये राइटर जो है आर्टिकल में यही लिख रहे हैं, इसी कहानी मतलब इसी पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में पूरी कहानी लिखी हुई है। और एक चीज तो ये है ना कि एडिटोरियल एग्जाम में नहीं आता, इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर आपके लिए निकल रहा है आपको वो पढ़ना होता है, तो वो हमने यहाँ पे देखा। एंड आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है ना ये वर्शिप एक्ट के आपको पता होनी चाहिए जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। सेक्शन 3, इन फुल और पार्ट और प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन इनटू अ प्लेस ऑफ वर्शिप कन्वर्जन नहीं हो सकता है। सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 कहता है कि जो स्थिति थी 15 अगस्त 1949 में शैल कंटिन्यू टू बी द सेम एज इट एग्जिस्टेड। सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 जो है वो ये कहता है एनी सूट और लीगल प्रोसीडिंग विद रिस्पेक्ट टू द कन्वर्जन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एग्जिस्टिंग ऑन 15 अगस्त 1947 पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट शॉल एबेट एंड नो फ्रेश सूट और लीगल प्रोसीडिंग शॉल बी इंस्टीट्यूटेड। सेक्शन 5 जो है वो एग्जेम्पशंस देता है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस को। सेक्शन 5 इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। चलिए वैसे तो ये सारी सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा तो इसमें से कोई सा ही पूछा जा सकता है,
बट सेक्शन 5 कैन बी और भी आज कौन किसी दूसरा मुद्दा भी। इसके बाद देखो ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है। क्या हुआ, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ना विंबलडन ने अनाउंस किया था कि रशिया एंड बेलारूस के खिलाड़ियों को विंबलडन में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। इसके चलते हुए जो ATP है एंड WTP है, ये वर्ल्ड की दो ऑर्गेनाइजेशन है जो WTA वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन और ATP भी इसी तरीके की टेनिस का एक अलायंस है, ग्रुप ऑफ जैसे कि BCCI है इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, ICC इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट करती है, तो उसी तरीके से ATP एंड WTA है। इन्होंने ये कहा है कि विंबलडन में जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका आपके रैंकिंग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसके चलते हुए काफ़ी सारे खिलाड़ी जो है ना विंबलडन से वापसी ले रहे हैं। इवन नोवान डिजोकोविक ने तो ऐसे ही कह दिया था कि मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि उनको लग रहा था कि जो रशिया और बेलारूस के ऊपर ये लिया है आपने डिसीजन, ये गलत लिया है। बट अब इसके बाद ना काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ियों ने कह दिया है कि वो शायद ही खेलें, जैसे कि नाओमी ओसाका एक एग्जाम्पल है, नोरी ने ऐसा कह दिया है। तो ये कुछ मामला है। देखो विंबलडन का कुछ दिन पहले का स्टेटमेंट था ये, इनके द्वारा ये चीज़ डिसाइड करी गई थी कि भाई हम जो है रशिया एंड बेलारूस के खिलाड़ी को नहीं खेलने देंगे। क्रिटिसिज्म हो रहा था कि यार उनकी गवर्नमेंट कुछ कर रही है, आप इंडिविजुअल्स खिलाड़ियों को क्यों इसके लिए रोक रहे हो। सारे टेनिस के खिलाड़ी भी काफ़ी सारे लोग इसके अगेंस्ट में बोल ही रहे थे कि आपका डिसीजन गलत है। तो अब फाइनली जो है ये आपकी जो ATP है और WTA है, इन्होंने डिसीजन लिया है। ATP एंड WTA की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके बाद विंबलडन जो है एक लंदन इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में होने वाला टूर्नामेंट है, ठीक है ना। 1877 में फाउंड हुआ था, ग्रास आउटडोर्स पे ये होता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन रेड क्ले कोर्ट पे खेला जाता है जिसके चैंपियन रफाल नडाल हैं। विंबलडन जो है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, US ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर। इंडिया टू ज्वाइन बाइडेंस न्यू ट्रेड इनिशिएटिव फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। देखिए क्या हुआ है कि एक नया, अभी आप कह सकते हो कि IPEF बोल रहे हैं इसको, ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। ये फ्री ट्रेड वाले तरीके से नहीं होगा, इसमें उस तरीके से नहीं होगा कि टैक्स वैक्स ऑफ कर दिया जाए या सारी कंट्रीज जितनी भी हैं उसको बिल्कुल कस्टम ड्यूटी उसे को पे नहीं करना है, यूरोपियन यूनियन वाला सीन नहीं बनेंगे या ना ही RTEP वाला बनेंगे। लेकिन काफ़ी हद तक काफ़ी सारे चीज़ों में जो है वो ट्रेड में चीज़ों की में जो प्रॉब्लम्स आती हैं कंट्रीज के बीच में उसको ख़त्म किया जाएगा। इसमें देखो कौन कौन है, 10 में से 7 मेंबर ऑफ ASEAN हैं प्लस क्वाड कंट्रीज़ हैं, न्यूजीलैंड जो है ये इसके पार्ट हैं, और इंडिया ने भी अपना इंक्लिनेशन दिया है बाइडेन की इस प्रपोजल का कि इंडिया भी इसमें जुड़ सकता है। तो ये है, क्वाड की मीट हो रही थी, उसी के साथ 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 ही में इंडो पैसिफिक रीजन में ये वाली मीट भी हुई है जिसका नाम है IPEF, ठीक है। फिर देखिए एक बड़ा स्टेटमेंट आया है US की तरफ से कि US इज गोइंग टू डिफेंड ताइवान अगेंस्ट चाइना, बाइडेन। तो बाइडेन साहब ने ऐसे बोला है कि US जो है वो ताइवान के अगेंस्ट में, चाइना के अगेंस्ट में ताइवान की मदद करेगा अगर चाइना कुछ भी बॉर्डर पे अग्रेशन करता है ताइवान को जबरदस्ती हड़पने के लिए। देखो ये सेम स्टेटमेंट यूक्रेन के लिए देते थे और अब ताइवान के लिए दे रहे हैं, और ये कुछ नहीं कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं चाइना ताइवान में। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चाइना इतना बेवकूफ़ है कि वो अपनी इकोनॉमी को रिस्क में लेगा और ताइवान पर अटैक करेगा। देखते हैं क्या होता है आगे, वी नेवर नो। इट्स नाउ अ फैशन टू मेक चार्जेस अगेंस्ट जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि यार अब एक ही प्रचलन बन गया है कि हर कोई जो है वो जुडिशरी को क्रिटिसाइज करता है, जजेस को क्रिटिसाइज करता है, कुछ भी गलत होता है कि जज ने ऐसा नहीं किया, किसी ने ऐसा नहीं किया, और फिर ये बोलते हैं कि जजेस करप्ट हैं या फिर कुछ और एलिगेशन उसके ऊपर लगा दिए जाते हैं। तो उसी के ऊपर ये स्टेटमेंट जो है वो DY चंद्रचूड़ साहब ने भी दी है। वर्ल्ड में हैव लॉस्ट 11.2 करोड़ जॉब्स, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है वर्ल्ड ऑफ वर्क, उसमें ऐसा कहा गया है, ये रीड कर लेना PDF में से, ठीक है, मैं PDF अभी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। रूम डिनाइड टू जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंट, होटल ओनर गेट्स एंटिसिपेटरी बेल। एक जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट दिल्ली में होटल सीख कर रहे थे, उनको वो होटल नहीं दिया था तो उन्होंने वीडियो वायरल कर दी थी, तो उसी के ऊपर इनके ऊपर अब चार्जेस फ्रेम हो सकते हैं जिसके चलते उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल ले ली है। तो अब हम जानते हैं कि एंटिसिपेटरी बेल होती क्या है। तो एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, एंटिसिपेटरी बेल का सिंपल मतलब है एंटिसिपेट करना। जैसे कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं एंटिसिपेट कर लूँ कि शाम को मेरे ऊपर कोई कोर्ट के, मेरे ऊपर कोई FIR हो सकती है, तो मैं एक फ्यूचर में होने वाली FIR के प्रति पहले ही जाके बेल ले लूँ, उसे कहते हैं एंटिसिपेटरी बेल। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया है। द प्रोविजन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल जो है वो कवर्ड होता है अंडर सेक्शन 438 जो कि CRPC में अमेंड करके 1973 में डाली गई थी। सेक्शन 438 इज ए प्रोसीजनल प्रोविजन कंसर्न्ड विद पर्सनल लिबर्टी ऑफ ईच इंडिविजुअल। सुप्रीम कोर्ट का हमारे एक केस है जिसमें इसको आर्टिकल 21 के पैरेलल लिया गया था,
1980 का जो केस है गुरुबख्श सिंह सिब्बिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अ फाइव जज सुप्रीम कोर्ट बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस वाई वी चंद्रचूड ruled that section 438 sub clause 1 is to be interpreted in the light of article 21 of the constitution protection of life and personal liberty. तो ये ध्यान रखिएगा. then इसमें और ऐसी कोई चीज है नहीं. एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ. देखो bail and non bailable offence होता है, आपने सुना है ना. तो ये बताओ ये जो non bailable offence होते हैं क्या इसमें bail नहीं मिलती है, ऐसा कुछ होता है? तो आज मैं आप लोग का एक डाउट क्लियर कर देता हूँ. देखो जो बेल बेलेबल ऑफेंस होते हैं ना उसमें बेल प्राप्त करना आपका राइट होता है, इट्स योर राइट. बट इन नॉन बेलेबल ऑफेंस भी बेल मिलती है लेकिन इट्स नॉट योर राइट. मतलब बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल मिलनी ही मिलनी है, आपका वो राइट है, कोई आपको बेल देने से रोक नहीं सकता, कोर्ट आपको बेल देगी, इवन बहुत सारे केसेस में पुलिस भी बेल दे देती है. बट नॉन बेलेबल केसेस के अंदर ना इट्स नॉट योर राइट, यू हैव टू फाइट फॉर इट. अगर कोर्ट को सही लगेगा तो वो आपको बेल देगी. ये बहुत एक बेसिक लॉ जो एस्पिरेंट्स है ना वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, इसलिए मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं. आई होप ये कुछ यूजफुल रहा हो. देन है अ न्यू बिलियनियर एवरी 30 आवर्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक. तो ये एक रिपोर्ट आई है किसकी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की. कोविड 19 पेंडेमिक क्रिएटेड अ न्यू बिलियनियर एवरी 30 आवर्स. और इसी के साथ ये भी बोला गया है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट अ मिलियन पीपल कुड बी पुश्ड इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी एट द सेम रेट इन 2022 अकॉर्डिंग टू अ न्यू ऑक्सफैम ब्रीफ रिलीज ऑन मंडे. प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन करके ये आर्टिकल निकला था, टाइटल करके रिपोर्ट आई थी, उसी में ये बात कही गई है. जेलेंस्की सीक मोर सैंक्शंस ऑन रशिया. तो अभी देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीट में जेलेंस्की साहब ऐसा बोल रहे हैं कि रशिया पे और सैंक्शंस लगाओ, बिल्कुल ट्रेड मत करो, फलाना ढिमकाना, इस तरीके की बातें इनकी तरफ से आ रही हैं. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. डेवोस में समिट हो रही है. डेवोस कहाँ है पता है ना, स्विट्जरलैंड में है. The Economic Forum has a Swiss non-profit foundation established in 1971, based in Geneva, Switzerland, recognized by the Swiss authorities as the international institutions for public-private cooperation. Mission kya hai? To improve the state of the world by engaging business, political, academic and other leaders of the society. Ye aapse exam mein kabhi nahi puchhenge, to farji baatein likhi jaati hain. Founder and executive chairman kaun hai? Klaus Schwab. Some major reports by published by World Economic Forum are Energy Transition Index, Global Competitiveness Report, Global IT Report, Global Gender Gap Report, Global Risk Report, Global Travel and Tourism Report. इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि भैया ये कौन रिलीज करता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा. देखो एक क्वेश्चन का किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि सर भारत ने जो है वो वीट को एक्सपोर्ट बैन क्यों लगाया, कि हमारे यहाँ वीट खत्म होने वाला है. तो मैंने देखो ये बताया भी था, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ. देखो एक्सपोर्ट पे ना बैन लगाने का एक मेजर रीजन मैं बताता हूँ आपको क्या है. भारत ने ना एक्सपोर्ट पे बैन सिर्फ इसलिए नहीं लगाया कि हमारे यहाँ गेहूं कम हो रहा है, हमारे यहाँ सरकार के पास गेहूं कम हो रहा है. अब आप ये कहो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, गेहूं कम हो रहा है, सरकार के पास कम हो रहा है. देखो फार्मर्स जो है ना वो चाहे तो सरकार को बेचें, जो एपीएमसी मंडीज होती हैं, चाहे तो प्राइवेट ट्रेडर्स को बेचें. अब एक एग्जांपल हाइपोथेटिकल लेते हैं. मान लो सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2 रुपए पर किलो सेट कर रखी है, तो सरकार जो है किसानों से 2 रुपए पर केजी पे ही खरीद रही है, लेकिन प्राइवेट ट्रेडर्स जो है वो 3 रुपए पर केजी पे खरीदने लग गए. तो भैया बंदा जो है वो किसको बेचने लगा, वो प्राइवेट ट्रेडर्स को बेचने लगा. अब प्राइवेट ट्रेडर्स महंगा क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रशिया यूक्रेन की वजह से वर्ल्ड में दाम बढ़ा हुआ है, तो हम जो है वो महंगे दामों में वर्ल्ड में बेच सकते हैं. तो सरकार ने क्या किया है, सरकार ने इस पे बैन लगाया है कि भैया आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे. क्यों लगाया है, इसका ये कारण नहीं कि देश में अन्न कम हुआ है, कम हुआ है नो डाउट, लेकिन जितना हुआ वो अभी भी सेल्फ सफिशियंट है, भारत को कहीं से जरूरत नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये ना कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स खरीदे जा रहे थे, सरकार के गोदाम्स खाली हो रहे थे, फिर सरकार की भी तो स्कीम्स होती है, मिड डे मील स्कीम, राशन स्कीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सरकार वहां से कैसे लोगों को देगी, ये समस्या आ रही थी. इसीलिए वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, यहाँ पे ये एक मेजर कारण नहीं है. और दूसरा, सरकार ने हाँ भी तो करी है कि हम वीट देंगे, अगर आप कोई कंट्री हो आप हमारी गवर्नमेंट से बात करो, आप हमारी मिनिस्ट्री से बात करो कि आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम आपके लिए रेडी हैं, हम मदद करेंगे. तो इंडिया ने एक्सपोर्ट को बैन नहीं किया है, कंडीशनल डाल दिया है. और दूसरा, ये जो प्राइवेट ट्रेडर्स मार्केट में पैसा कमा रहे थे ना, इन पे बैन लगाया है. अब यही एक बड़ी हिपोक्रेसी समझ में नहीं आती है. जब देखो 3 फार्म लॉज आए थे, उसमें एक लॉ यही था ना कि एपीएमसी मंडीज के बाहर भी प्राइवेट ट्रेडर्स को बेच सकते हो. आज की डेट में गेहूं का दाम जब बढ़ा तो बाहर ही तो बेच रहा है किसान, पर उस समय हरियाणा पंजाब के कुछ किसानों को बहुत दिक्कत हो रही थी इस चीज से, इवन गवर्नमेंट को दिक्कत हो रही थी हरियाणा पंजाब की.
तो ये बहुत ही हिपोक्रेसी है। अब आप बाहर ही बेच रहे हो कमाने के लिए, तो भाई पहले भी तो यही करना था। तो ऐसा मतलब अब इस पे यही है कि पॉलिटिक्स होती है, बट पहले गवर्नमेंट यही चीज करने की कोशिश कर रही थी तो सबको दिक्कत हो रही थी। अब आप खुद ही वही चीज कर रहे हो, आप खुद प्राइवेट मार्केट में बेचना चाह रहे हो ज्यादा पैसा कमाने के लिए। तो सरकार पहले यही तो कह रही थी कि एपीएमसी मंडी के बाहर बेचोगे ज्यादा पैसा कमाओगे, लेकिन तब वो जो 3 फार्म लॉस थे किसी को पसंद नहीं आए थे। अहेड ऑफ क्वाड अल्बिन स्वानेस ऑस्ट्रेलिया पीएम, तो स्कॉट मॉरिसन ही थे शायद, है ना, उनको हटा के जो है एंथोनी अल्बनीज जो हैं ये स्वान कर दिए गए हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। यूएन ऑफिशियल इन चाइना टू एसेस जिंगजियांग रीजन जो है इनका, जिंगजियांग बोल दिया, जिंगजियांग जो रीजन है इनका, यहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं जिनको काफी ज्यादा ह्यूमन राइट वायोलेशन किया जाता है चाइना के द्वारा, ऐसा कहा जाता है। तो उस पे यूएन के ऑफिशियल्स जाके देखेंगे कि भैया चाइना में वहां पे हालत क्या है। इसके बाद थोड़ा सा आईपीएल के बारे में जान लो। देखो आईपीएल का एक पूरा संस्करण लगभग लगभग खत्म होने को आ चुका है। इसमें हुआ क्या है, टॉप 4 टीम जो हैं वो हैं गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स, देन आपका लखनऊ, एंड चौथे नंबर पे है आरसीबी जिसमें विराट कोहली खेलते हैं। तो आज फर्स्ट 2 टीम्स का मैच है, इसमें से जो जीतेगा वो सीधे फाइनल में पहुंचेगा, जो हारेगा तो वो जो थर्ड फोर्थ में जो बंदे जीतेगा उससे इनका मैच होगा, और फिर जो जीतेगा वो फाइनल पहुंचेगा। देखते हैं कौन जीतता है इस साल का आईपीएल। ठीक है, लास्ट ईयर कौन जीता था, सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक, आई थिंक सीएसके ही जीती थी, हाँ सीएसके ही जीती थी, है ना। चलिए, तो इसी के साथ फिर आज का सेशन जो है हमारा हो जाता है खत्म। एक बार जल्दी से देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। यूएन ऑफिशियल इज गोइंग टू विजिट इन चाइना, अहेड ऑफ क्वाड अल्बिन स्वान इन ऑस्ट्रेलिया पीएम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जाना, रिपोर्ट्स देखी हमने, एंटिसिपेटरी बिल के बारे में जाना, आयोलो की एक रिपोर्ट के बारे में जाना, जुडिशरी के बारे में जो बोला है स्टेटमेंट जस्टिस साहब ने वो देखा, ताइवान में मदद करेगा यूएस ऐसा वो बोल रहा है, इंडो पैसिफिक का जो नया ट्रेड इनिशिएटिव है उसके बारे में हमने देखा, विंबलडन की न्यूज़ देखी, एक हमने वापस से वर्शिप एक्ट के बारे में देखा। तो ये था हमारा आज का सेशन, एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आप इनमें से हमारे किसी भी कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, गो एंड डाउनलोड द ऐप, आप इनमें से किसी में भी चाहें इनरोल कर लीजिए। इसके अलावा कुछ टाइम क्वेश्चन जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक किया करो, चैनल को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो,